हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो आप लोगों का भाई सुदर्शन बहुत दिन बाद दादा आप लोगों के बीच सिस्टम लेके आ गया हूँ। एक टोटली ब्लैक ब्यूटी सिस्टम, और इसका कंडीशन जो है आप तो देख पा रहे हो, फुल्ली नया कंडीशन है। तो चलिए इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या खामियां है, सब आप लोग के साथ मैं शेयर कर लेता हूं। और बहुत दिनों से आप लोग मुझे कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, दादा आप सिस्टम दिखाओ, इतना लेट क्यों हो रहा है सिस्टम का। तो दादा फिलहाल लेके मैं आप लोग के सामने आ गया हूँ टोटल ब्लैक ब्यूटी। तो इसका मॉडल नंबर क्या है, वाटेज क्या है, पीओमपीओ क्या है, सब लोग आप लोग के साथ मैं जांच करवा ले लेता हूँ और आप लोग के साथ मैं शेयर करवा लेता हूँ। चलिए इसका मॉडल नंबर है, करीब से देखिए, मिनी हाई फाई कंपोनेंट सिस्टम MAC GZR77D। ये आपका आता है 4000 वाट पीओमपीओ में। और इसका आरएमएस पावर जो इसका अंदर निकलता है बॉक्स से, वो आपका हो गया 180 180 करके दो साइड में, तो आपका हो रहा है 360 का, मतलब 360 वाट का टोटल इसका आरएमएस हो रहा है, ठीक है। और ये जो सिस्टम है दादा, फुल्ली फंक्शनिंग सिस्टम है। और क्या क्या है, क्या क्या नहीं चलता है, क्या क्या नहीं इसमें चलता है, सब सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो पहले चलिए इसका बाएं तरफ का जो बॉक्स है उसके उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इसका बाएं तरफ का बॉक्स। इसके अंदर आपका 5 इंच का एक साबोफर, ऊपर में एक मिड रेंज, बीच में एक ट्विटर मिल जाता है। और ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का झनकार बहुत ही ज़्यादा है बेस के साथ। तो जिस जिस भाई को ज़्यादा झनकार का सेट चाहिए, उसको झनकार ज़्यादा चाहिए, तो वो भाई ये सिस्टम ले सकता है। ये सिस्टम फिलहाल मेरे पास अवेलेबल है। इसका नीचे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आरोक्सिनेशन हॉर्न ट्विटर। इसका जो हॉर्न ट्विटर है बहुत ही बढ़िया साउंड निकलता है झनकार के लिए। इसका बाई तरफ में, दाई तरफ में देखिए सेम मिल जाता है, एक मिड रेंज, एक सबवूफर, एक मिड रेंज, और इसके नीचे में एक ट्विटर आपको मिल जाता है, हॉर्न ट्विटर। इसका हॉर्न ट्विटर के लिए इसका जो झनकार है वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो एक सब्सक्राइबर भाई जो है मुझको बोला था, दादा ज़्यादा झनकार वाला सेट दिखाओ, तो वो भाई ये सेट ले सकते हैं। मुझे थोड़ा से जो याद नहीं है वो कौन सा आदमी था जो मुझे बोला था जो दादा ज़्यादा झनकार की सेट दिखाओ। तो फिलहाल मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो वो वीडियो जो जो भाई देखेगा तो वो तो समझ ही जाएगा। जो तो फिलहाल उस भाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, दादा इसके अंदर झनकार भी ज़्यादा है, बेस भी ज़्यादा है, आप ये सेट ले सकते हो। तो ठीक है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ पहले। तो ऑन कर लिया, फास्ट चाप दादा यहाँ पे मैं पेमेंट यहाँ पे प्रेस करूँगा तो ये सिस्टम चालू हो जाएगा। फिलहाल इसमें टेप कैसेट मैं सुन रहा था, तो टेप कैसेट का मूड में आप ऑन हो गया, आप देख सकते हो। तो फिलहाल चलिए इसके अंदर क्या क्या मिल जाता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, बाद में टेप कैसेट डीवीडी वगैरह सब चला के दिखा दूंगा। तो इसके साइड में आपका फास्ट में डीवीडी का ऑप्शन मिल जाता है, उसके नीचे में यूएसबी का, उसके नीचे में आपका टेप ए बी का वर्शन, जो दोनों ही फिलहाल वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। फॉरवर्ड वर्किंग करता है, रिवर्स में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो फॉरवर्ड जो चीज़ को सुनना है दोनों दोनों तरफ से वो भाई इसमें अंदर सुन सकता है, ठीक है। नीचे में आपका ये आपका वीडियो मोड, और इसके बीच में आपका एफएम ट्यूनर का ऑप्शन मिल जाता है। तो एफएम ट्यूनर का जो साउंड है वो थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि मेरा एफएम कनेक्ट किया हुआ नहीं है, फिर भी मैं साउंड थोड़ा सा सुनवा ले लेता हूँ आपको। इसका जो एफएम फंक्शन है वो भी आपका वर्किंग कंडीशन में है, थोड़ा सा साउंड सुन लीजिए। तो आप झीझी करके एक आवाज़ सुन पा रहे हो, इसके मतलब ये जो इसका टेप कैसेट का वर्शन है वो भी टेप कैसेट इसका एफएम का वर्शन है वो भी आपका फुल वर्किंग में है। तो चलिए इसके बाद इसके अंदर आपको क्या मिल जाता है, इसके बाद दादा इसके अंदर आपको मिल जाता है आपका इसे आपका वीडियो सीडी। वीडियो सीडी में आपको मिलता है कि दादा आप वीडियो सीडी के अंदर कनेक्ट करके ब्लूटूथ से, ऑक्स से, टीवी से, कंप्यूटर से, सबसे कनेक्ट करके अब बजा सकते हो। फिलहाल मेरा जो इसका ऑक्स है वो देखिए यहाँ पर एक ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो आप लोग चाहते हो जो इस सिस्टम को ब्लूटूथ से बजाना हो, तो मेरे पास से इस जैसा एक ब्लूटूथ भी आप परचेस कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन से भी आप मंगवा सकते हो। तो उसके साथ आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके बजा पाओगे, सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसके बाद इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है, ऊपर में देखिए वी ग्रुप मोड है,
देखिए वी ग्रुप ऑन, जेड वी ग्रुप ऑन, और इसके अंदर अंदर सबसे बढ़िया बात, दूसरा जो सिस्टम आता है उसके अंदर ओनली आपको वी ग्रुप मिलता है, और इसके अंदर आपका जेड वी ग्रुप भी मिल जाता है, जिसके अंदर बेस क्वालिटी और भी ज़्यादा होता है। उसके नीचे में आपका प्रोसेट इक्वलाइजर, ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रोसेट इक्वलाइजर है, तो ये हमें जो ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो, ऑन ऑफ करके हर एक मूड में अलग अलग चेंज करके आप बजा सकते हो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ जो मुझे रॉक वाला मूड बहुत ही पसंद है, क्योंकि इसके अंदर जो इसका झनकार है वो भी बहुत स्वीट सा सुनाई देता है, और उसके साथ इसका जो बेस है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से सुनाई देता है। उसके नीचे में आपको मिल जाता है इक्वलाइजर बैंड, तो इक्वलाइजर बैंड क्या है, इक्वलाइजर बैंड जब प्रेस करोगे तो इसका लो, लो होता है इसका बेस का पंच, तो अब जो ये फुल हाई है, तो आप ये जो सिस्टम है दादा, इसके अंदर आप थोड़ा सा ये जो लो घटाओगे तो इसका बेस क्वालिटी गिर जाएगा, मतलब जो आपका बेस नहीं मिलेगा, तो जिसको बेस बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मीडियम बेस दे के सुनना चाहते हो, वो यहाँ से मैनुअली एडजस्ट करके बजा सकते हो। तो मेरे को तो फुल बेस ही पसंद है, तो मैं फुल बेस पे गाना सुनता हूँ। द्वितीय जो सेकेंड टाइम होता है इसका मिड, इसका मिड -2 यार, इसका मतलब है जिसको वोकल ज़्यादा पसंद हो, वोकल जिसका झनकार वोकल ज़्यादा चाहिए, तो वो मिड को फुल बढ़ा सकते हो, बढ़ा के इसका आपका साउंड का जो मज़ा है झनकार का या वोकल का वो ज़्यादा ले सकते हो, और जिसको वोकल कम चाहिए, बेस ज़्यादा चाहिए, तो वो भाई ये माइनस करके 6 पे लाके आपका वोकल कम करके बेस का मज़ा ज़्यादा ले सकते हो। तो उसके बाद इसको मिलता है हाई, हाई होता है इसका ट्विटर का, जिसका झनकार ज़्यादा चाहिए तो +6 में रख के चलाइए, या जिसको झनकार कम चाहिए, जो मीडियम घर में छोटा घर छोटा सा घर है, हल्का आपका झनकार चाहिए, तो आप खुद ब मैनुअल इसे कंट्रोल करके बजा सकते हो, ठीक है। ये रहा इसका मैनुअली फंक्शन। तो उसके नीचे में आपका साउंड फील्ड, देखिए साउंड फील्ड का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो साउंड फील्ड का ऑप्शन में क्या मिल जाता है डिस्प्ले में देख लीजिए, साउंड फील्ड में जब मैं प्रेस करता हूँ, 2 चैनल स्टूडियो मूड, 2 चैनल सुपर मूड, आप ये दोनों मूड आपको मिल जाता है। और बहुत सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं 2 चैनल सुपर मूड का मतलब क्या है, ये डिस्प्ले के अंदर दादा एक बार देखना, 2 चैनल सुपर का मतलब है जब आप 2 चैनल सुपर पे लाओगे तो इसका सराउंड मूड ऑन हो जाएगा, जिसको सराउंड साउंड पसंद है वो 2 चैनल सुपर पे लाके इसे चला सकता है, और जिसको दादा स्टूडियो साउंड पर पसंद है तो वो स्टूडियो मूड पे लाके इसे चला सकता है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने आपको इसका जो फंक्शन है वो फिलहाल आपको दिखा दिया, और इसके साइड में जो है वो भी बता देता हूँ, ये टोटल आपका DVD का फंक्शन का काम है, और नीचे का जो स्विच है ये दो, ये आपका FM ट्यूनर का काम करता है, और उसके नीचे DVD ओपन क्लोज का के लिए ये दिया हुआ है स्विच, और इसके नीचे में देखिए दादा आपका USB का पोर्ट मिल रहा है, तो USB यहाँ से कनेक्ट करके डायरेक्ट बजा सकते हो, और इसमें आपका दो माइक मिल जाता है, तो आप दो जोड़ी आप एक जोड़ी एक साथ कपल में गाना इसके अंदर आप गा सकते हो, किसी को सिंगर सिंगिंग को करना हो वो दोनों माइक अटैच करके डुएट गाना इसके अंदर गा सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे भाई है जो मुझे कॉल करता है कि दादा मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ, तो सिंगिंग करने के लिए बहुत ही बढ़िया सेट है, आप 2 चैनल पे 2 माइक लगा के आप डुएट गाना भी गा सकते हो, ठीक है। और इसके साथ आपको मिल जाता है अलग अलग करके 2 माइक लेवल का ऑप्शन, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर माइक लेवल 1 माइक लेवल 2, तो आप मैनुअली एडजस्ट करके गाना सुन सकते हो, और उसका साइड में आपको मिल जाता है देखिए ये एक इको लेवल का, इको लेवल मूड आप यहाँ से भी मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो, और मैनुअली एडजस्ट करने का मतलब है आप आपका खुद की मर्जी से सब कुछ कर सकते हो, आपको जितना सुनना है, ठीक है। और इस साइड में तो आपको देखिए डॉल्बी डिजिटल मूड जो है वो लिखा हुआ है, और DIVX DTS जो पर इसके अंदर आपको मिल जाता है, यार यहाँ पे एक हेडपोर्ट का ऑप्शन है जो हर एक सिस्टम में आपको मिल जाता है। तो चलिए इसका टेप कैसेट का बारे में मैं बात कर लेता हूँ, टेप कैसेट मैंने डाल देखिए ले लिया है टेप कैसेट, टेप कैसेट का वर्किंग कंडीशन में है, तो चलिए थोड़ा सा आपको मैं चला के सुनवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ देखिए, ज़्यादा नहीं सुनवा पाऊंगा क्योंकि दादा कॉपीराइट दे देता है, तो आप तो देख पा रहे हो यहाँ पे अब चल रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए देखिए,
फुल्ली वर्किंग में ये टेप कैसेट बी भी इसका चल रहा है। तो टेप कैसेट ए का जो पोर्शन है वो भी मैं आप लोगों को चेक करवा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल थोड़ा सा और भी सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन मैं लास्ट में थोड़ा सा डीजे चला के इसका साउंड क्वालिटी जो है आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, इसके लिए पूरा वीडियो ज़्यादा देखना। तो चलिए टेप कैसेट जो बी है वो तो मैंने आप लोगों के साथ चेक करवा लिया, टेप कैसेट ए तो मैं यहाँ से निकल के टेप कैसेट ए में मैं डाल दे रहा हूँ और डाल के यहाँ पे चेंज करवा दे रहा हूँ। और सबसे बढ़िया बात दादा, इसका जो स्विच का फंक्शन है फुल्ली वर्किंग कंडीशन में, यार एक बार टच करने से काम चल जाता है। तो चलिए दो ये भी मैंने प्रेस कर देता हूँ, देखिए और जितना भी सेट दादा मेरे पास अभी तक आया था सबसे सबके अंदर जो जो सिस्टम में आपका टेप कैसेट चलता है तो उसके अंदर मेरे पास जो फिलहाल ये सामान है इसके अंदर मुझे टेप का जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया लगा, क्रिस्टल क्लियर साउंड मुझे इस सेट के अंदर लगा। जो मुझे लगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और बाकी का तो आपका ऊपर है, आप सुनकर ही बता पाओगे। तो थोड़ा सा फिर से सुन लीजिए, थोड़ी गाना थोड़ा सा ख़त्म हो गया है, फिर से प्ले हो रहा है, देख लीजिए मैं उतर के ही आपको प्ले करके दिखाता हूँ दूसरी टाइप से। तो इस सेट का गाना तो एक ख़त्म हो चुका है, तो इसका जो टेप कैसेट का फंक्शन है ये आपका दोनों तरफ ही चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आपको मैं चेक करवाता हूँ इसका यूएसबी का, इसका यूएसबी भी फुल्ली प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। तो चलिए यूएसबी में मैं डाल देता हूँ इसका, ठीक है। तो यूएसबी डाल दिया है, देखिए यूएसबी मेमोरी यहाँ पे लिखा दे दिया है। तो चलिए इसके अंदर प्ले करके आपको थोड़ा सा गाना भी सुनवा देता हूँ थोड़ा बहुत। तो यूएसबी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यूएसबी में इस पर चालू है, मैं आपको यूएसबी चला के दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाना थोड़ा सा चेंज करवा ले लेता हूँ, एक एक गाना हर एक टाइम सुनने में पूरा लगता है, तो एक अलग गाना ले लेता हूँ आज। तो बहुत ज़्यादा नहीं सुनवा पाऊँगा क्योंकि दादा कॉपीराइट दे देता है, इसीलिए बहुत मुश्किल आता है। तो देख रहे हो जो इसके अंदर यूएसबी चल रहा है, ठीक है, कोई छुपाने की बात नहीं है, मेरे पास मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ, जो ओरिजिनल कंडीशन में मुझे मिलता है वही ओरिजिनल कंडीशन में आप लोगों के साथ नॉन कट वीडियो लाता हूँ, ऐसे ही सेल करता हूँ। तो ठीक है, तो थोड़ा बहुत और भी सुना लेता हूँ छोटा से। तो अगर इसका यूएसबी थोड़ा सा आप लोग ने देख लिया, तो यूएसबी मैं थोड़ा सा निकाल दे रहा हूँ इसमें, और इसके बाद इसका डीवीडी, इसका जो डीवीडी है दादा डीवीडी का लेंस में शायद दिक्कत है, इसमें रीडिंग वगैरह सब कुछ देता है, बीच बीच में मैं जब सीडी डालता हूँ डीवीडी डालता हूँ तब दादा रीड ले लेता है, रीड लेके प्ले हो जाता है यार, कभी कभी नहीं होता है। तो शायद इसके अंदर आपका जो है लेंस का कोई इशू है, क्योंकि ये जो सेट है ये आप जानते हो 2010 के 11 का मॉडल है, अभी तक इसका सर्विस नहीं हुआ है, जो भी है ओरिजिनल कंडीशन में है। तो जिस भाई को प्रॉपरली डीवीडी वर्किंग करना है वो ये सेट लाके सर्विस कर सकते हैं, सर्विस करके इसका डीवीडी वर्किंग कंडीशन में ला सकता है। इसका डीवीडी का ओपन क्लोज जो भी है सब कुछ इसमें चल रहा है, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको उतार के मैं आपको दिखाता हूँ, तो रुकिए बाहर से ओपन मैं करता हूँ, इसे ओपन देखिए, ओपन लिखा आ गया, इसका ओपन भी हो रहा है, देखिए प्रॉपरली इसका ओपन क्लोज सब चल रहा है, आपका डीवीडी एक दो तीन तीनों ही ले रहा है, शायद इसका लेंस का कोई प्रॉब्लम है इसीलिए डीवीडी प्ले नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा सर्विस करने से इसका डीवीडी भी प्ले हो जाएगा। तो उसके बाद इसका वीडियो सीडी, तो आज आपको मैं वीडियो सीडी जो है ये मेरा इस ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है, तो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को डीजे के साउंड सुना देता हूँ, पता नहीं कॉपीराइट देगा या फिर नहीं देगा। तो एक सब्सक्राइबर भाई मुझे बोले थे तारा थोड़ा सा डीजे सुना देना, तो उसमें कॉपीराइट नहीं देता है, तो चलिए मैं आपको प्ले करके सुना देता हूँ, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पे प्ले कर दिया है, देखिए तो सुन लीजिए थोड़ा सा, तो
थोड़ा बहुत आपको सुना दिया, इसका डीजे साउंड फिर से भी सुनाता हूँ, सुन लीजिए। तो बहुत ज़्यादा नहीं सुनवा पाऊँगा, आज पहली बार डीजे प्ले करके आपको दिखाया हूँ मैं। अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, वीडियो अपलोड करने के बाद मालूम चलेगा कॉपीराइट देता है या फिर नहीं देता है। कॉपीराइट नहीं देता है तो अगले सब वीडियो में मैं इसी तरह से थोड़ा सा डीजे चला के आप लोगों को साउंड सुना दूंगा। तो आप लोग बहुत बार बोलते हैं थोड़ा सा साउंड भी सुना दीजिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो डीजे की मदद से आज मैं पहली बार कोशिश किया है, तो नेक्स्ट वीडियो आज का वीडियो में कॉपीराइट नहीं देगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सब सिस्टम के साथ एक डीजे चला के आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। तो सब तो इसके अंदर जो जो फिलहाल है, जो जो वर्किंग कंडीशन में है, जो जो वर्किंग कंडीशन नहीं है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अभी इसके बारी है इसका पीछे की पोर्शन का, तो चलिए इसका पीछे में जो बॉक्स का कंडीशन है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। उसके बाद एम का पीछे के कंडीशन जो है वो भी शेयर कर लूँगा, दिक्कत नहीं है। आज का वीडियो बहुत बड़ा होगा क्योंकि दादा मैं फुल डिटेल्स जो है सभी एक वीडियो के अंदर डालता हूँ, आप थोड़ा पेशेंस रख के फुल वीडियो देखना। तो चलिए ये रहा इसका लेफ्ट साइड का बॉक्स, आप देख सकते हो फुल्ली फ्रेश कंडीशन में है लेफ्ट साइड का बॉक्स, ठीक है, कोई टूटा फूटा नहीं है, आप देख सकते हो। और बीच में इसका मॉडल नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है, और कौन सा कितनी ओम्स में आता है, ये आपका 8 ओम्स में आता है। सबसे बड़ी बात ये स्पीकर जो है आपका 8 ओम्स में आता है, इसीलिए इसका बेस क्वालिटी ज़्यादा है। और दाई तरफ का बॉक्स भी आप लोग देख लीजिए, ये रहा इसका दाई तरफ की बॉक्स और अंदर में स्टीकर, और यहाँ पे नीचे में देखिए लिखा हुआ है 8 ओम्स में, इसमें आप कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए बॉक्स तो मैंने दिखा दिया, अभी फिलहाल आपको मैं इसका जो एम्प है, एम का पीछे का जो पोर्शन है वो भी मैं आप लोगों के साथ दिखा देता हूँ। चलिए ये लगे हाथ सब कुछ आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। तो ये रहा इसका एम्प का बैक साइड, तो यह से मैं ऑक्स कनेक्ट किया हूँ इस ब्लूटूथ से, ठीक है। तो मैंने अभी तक डीजे बजा के सुनाया, उसके बाजू में वीडियो आउटपुट। और सबसे बढ़िया बात, जिसको और भी ज़्यादा बेस चाहिए, ये जो सिस्टम है ये मैं खोल देता हूँ फिलहाल, ये जो सिस्टम है इसके अंदर आपका साबोफर आउटपुट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो साबोफर आउटपुट का ऑप्शन आपको जब मिलता है तो बढ़िया बात, तो इसके साथ आप एक्टिव साबोफर कनेक्ट करके भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए सबसे बढ़िया बात होगा, जिसको बेस क्वालिटी और भी ज़्यादा चाहिए वो इसको साबोफर अटैच करके बेस क्वालिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। और इसके डिजिटल आउटपुट डीवीडी का यहाँ पर आपको मिल जाता है, नीचे में आपका दो स्पीकर का ऑप्शन, जो दो स्पीकर इसके साथ कनेक्ट होते हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके नीचे में एएम का ऑप्शन, उसके बाजू में एफएम का ऑप्शन, दो मिल जाता है। और बीच में एक फैन मिलता है, जब सिस्टम चलता है तो कूलिंग के लिए काम आता है। तो टोटल जो सिस्टम के अंदर जो जो है, जो जो नहीं है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो जिस भाई मुझे मैसेज किए थे इस सिस्टम के वीडियो देखने के लिए, तो वो भाई द्वारा आज का यूट्यूब का वीडियो में ध्यान रखना, तो वो भाई देख सकेगा। तो ठीक है, तो फिलहाल जो जो है, जो जो की क्या क्या नहीं है, क्या क्या खामियां है, क्या क्या खूबियां है, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। तो आप लोग मुझे जिस तरह के सपोर्ट कर रहे हो इसी तरह से सपोर्ट करते रहना, नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बढ़िया से बढ़िया सिस्टम आप लोगों के बीच लाने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये मेरे पास अवेलेबल है, तो जिस भाई को सिस्टम परचेस करना हो वो कॉल करके या फिर मैसेज करके मेरे पास साथ से बात करके प्राइस डिस्कस करके सिस्टम ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों का बहुत सुदर्शन, आपके आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छे से अच्छा सिस्टम लेके, जय श्री कृष्णा। तो लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिस भाई को सोनी का सिस्टम पसंद है उसके बाद लिंक शेयर कीजिए, शायद वो भी देख पाए और उसको पसंद है तो वो भी ले पाए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, आपका बहुत सुदर्शन।